अल्ट्रासाउंड में देखा गया कि नाक दो है पेट में, उसका ऑपरेशन करके उस नाक बाबा को निकाला गया। लेकिन जवानी की उम्र की जो इबादत होती है, चूंकि उस वक्त जवान की ख्वाहिश भी, उसका नफ्स जवान होता है, जिना करने का मन करता है, गलत काम करने में उसको कादिर है, वो कर सकता है, जवान है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन वो ये जानता है कि मैं जवान हूं, अल्लाह ने सेहत और तंदुरुस्ती दी है अपनी इबादत के लिए, तो अपने सर को झुका देता है अल्लाह के हुक्म के सामने। तो अब अल्लाह तबारक व ताला देखता है कि ये बंदा गुनाह करने पर ये जवान कादिर है, गुनाह कर सकता है, लेकिन ये मेरी रजा के लिए इस तरह के प्रोग्राम कर रहा है, कुरान और सुन्नत की बातें सुनने के लिए, दूसरों को सुनाने के लिए कोशिश कर रहा है, चंदा करता है, लोगों के सामने जाता है, दावत देता है, तो यकीनन अल्लाह उससे खुश होता है। और ऐसे नौजवानों का, ऐसे जवानों का ठिकाना जन्नत के अलावा कोई और दूसरी चीज, दूसरी जगह नहीं हो सकती। मेरे नौजवान साथियों, अगर हमारा जवान तबका सुधर जाए पूरे भारत में, पूरी दुनिया के अंदर, तो हमारी खोई हुई इज्जत, वो इज्जत जो अल्लाह ने कुरान में हमें दी, वो इज्जत खो गई है, गुम हो गई है, हमें दोबारा वापस वो इज्जत हमें मिल सकती है, हमें कोई नहीं रोक सकता उस इज्जत को पाने से। बस ऐसे ही नौजवान, जैसे एक जुनून था बड़े लोगों की सरपरस्ती रहे और हमारा जवान का जुनून रहे, तो हम समाज को एक अच्छाई की तरफ लेकर जा सकते हैं। एजुकेशन के फील्ड में आएंगे तो इंकलाब पैदा कर देंगे, नमाज पढ़ने पर आएंगे तो मस्जिद की मस्जिद आबाद हो जाएगी, शराब की मुखालफत करेंगे तो शराब के मटकों को जैसे मदीनतुल मनवरा के गलियों के अंदर सहाबा इकराम ने शराब के मटकों को फोड़ दिया था, तो हम भी आज अगर चाहें हमारे नौजवान तो शराब के मटकों में लात मार कर उनको फोड़ सकते हैं। तो इस उम्र की बड़ी कीमत है, और जब जवान की जवानी यकीनन अंगड़ाई लेने लगती, जब उनके अंदर जोश और जुनून आता है, तो फिर नहीं देखता है कि सामने कौन, अल्लाह की रजा के लिए वो कोई भी कदम उठाने को तैयार हो जाता है। तारीख गवाह है, उठाइए आप असहाबे कहफ का वाकया, 15वें पारे के अंदर पूरी सूरत अल्लाह ने कयामत तक के लिए उनके काम से खुश होकर आने वाली नस्ल के लिए 22 इबरत बनाया कि जवानों, जब तुम फैसला कर लोगे, जब तुम अल्लाह की रजा के लिए कोई काम करोगे, तो अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारी मदद करेगा, बातिल ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 300 साल बाद जमीन पर एक जालिम बादशाह था जिसका नाम दकियानूस था, उस बादशाह की बादशाहत, उसकी जुल्म ज्यादती मशहूर थी, आम थी, वो जिसको चाहता अपने पैरों तले रौंद देता था, वो जिसको चाहता उसको कत्ल करवा देता था, उसका एक ही टारगेट था, जो मुझे बड़ा ना माने, जो मुझे मेरी इबादत ना करे, खुसूसन जवानों को पकड़ पकड़ कर मजबूर करता था कि तुम अल्लाह के सामने सजदा नहीं करोगे, तुम अपने खुदा को खुश करने के लिए नमाज नहीं पढ़ोगे, बल्कि मेरे सामने यहां का खुदा मैं हूं, मेरे सामने सजदा करो। और जब जालिम बादशाह आता है अपनी ताकत के साथ, तो लोग डर जाते देखकर कि नहीं जनाब, ये लाल बुझक्कर है, ना मालूम क्या कर जाए,
तो लोग डर जाते हैं, खामोश हो जाते। लेकिन कुछ दीवाने होते, कुछ अल्लाह का नेक बंदा होता है जो सिर्फ अल्लाह से, हिंदू भाई ईश्वर से डरता है, जो किसी से नहीं डरता। उस दकियानूस बादशाह के सामने कुछ नौजवान खड़े हुए। गांव के अंदर जब उनको इजाजत नहीं थी नमाज पढ़ने की, अल्लाह को राजी करने की, तो नौजवान गांव से बाहर निकल गए कि तुम इस जमीन पर, तुम अपने शहर में मुझे इबादत करने नहीं दोगे तो अल्लाह की जमीन, इन्ना अर्ज़ी वासियतुन, अल्लाह की जमीन बहुत वसी है, बहुत कुशादा है, मैं कहीं पर भी जाकर अल्लाह तबारक व ताला को राजी कर लूंगा, अपना सर झुकाऊंगा। वो जवान थे, जवानी थी उनके अंदर, गांव से बाहर चले गए, शहर से दूर एक पेड़ के नीचे, एक दरख्त के नीचे बैठकर अल्लाह तबारक व ताला के सामने अपनी बेबसी को रख रहे हैं। एक दो सात छह सात नौजवान गांव से बाहर निकलकर किससे, किस वजह से, जालिम बादशाह के हुक्म को न मानकर अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए बाहर निकले। तो मेरे भाइयों, तो फिर हुआ क्या, अल्लाह तबारक व ताला की मदद फौरन उनके पास पहुंचती। वो बातें करते हैं आपस में, किस लिए आए हो गांव से, कहा कि ये जो बादशाह है ये नमाज नहीं पढ़ने दे रहा है, ये शरीयत पर अमल करने नहीं दे रहा है, तो इसलिए हम गांव से बाहर निकले। जवान है, पैरों में ताकत है, जुबान में ताकत थी, तो बादशाह के खिलाफ उनके सामने बोल कर आया कि आई विल नॉट फॉलो यू, मैं तुम्हें नहीं मानूंगा, आई विल नॉट एक्सेप्ट यू, मैं तुम्हें कबूल नहीं करूंगा। तुम्हारे पास ताकत है, कुछ भी है कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे पास, लेकिन तुमसे ज्यादा ताकतवर मेरा अल्लाह है, मैं उस अल्लाह के सामने झुकाऊंगा अपने सर को, और तुम्हारे इस दादागिरी तानाशाही की वजह से मैं तुम्हारे सामने झुकने वाला नहीं। वो सब गांव से बाहर गए, वहां पर जाकर अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह आपकी रजा के लिए आपके साथ किसी को शरीक ना हो करूं, इस वजह से गांव से बाहर निकला हूं, उस जालिम बादशाह से दुश्मनी हमने मोल ली है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनको उनकी मदद की और एक गार में ले जाकर 300 साल से ज्यादा दिन तक वो सबके सब नौजवान सोते रहे आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। وقال فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض أمارا رب الله ہے۔ आज भी हम उन लोगों को कहते हैं जो हमें अल्लाह की इबादत करने से रोकते हैं, जो जवाब असहाबे कहफ का था वही जवाब सुन लो आज के डुप्लीकेट खुदाओ, वही जवाब हमारा भी है, हम अल्लाह से डरते हैं, दुनिया के किसी और बातिल ताकत से नहीं डरते इंशाअल्लाह, और ना कभी डरेंगे हम। जवानों, ये आप कर सकते हैं, बूढ़े लोग, दानिश्वर लोग, उम्र रसीदा लोग जिनकी उम्रें ज्यादा हो गई वो तो नहीं कर सकते, लेकिन आपके अंदर ये ताकत है, आप आवाज बुलंद कर सकते हैं और आप अल्लाह के झंडे को, अल्लाह की शरीयत को अपनी अमल के जरिए से नाफिज कर सकते हैं। तो इस जवानी की बड़ी अहमियत है। सोशल मीडिया में जाकर मोबाइल में उंगलियां घिस मत लो, रातों को वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, गाड़ी चला रहे तो कान में लीड लगा हुआ है, गाने सुन रहे हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला। वमिन الناس من يشتري لعب الحديث ليضل عن سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم। गाने सुनते हैं ना हम लोग, हमारे नौजवान साथी इस गाने के चक्कर में, अजान होती है, अजान की आवाज आपको सुनाई नहीं देती, आप फजर की नमाज, आप फर्ज नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते हो, तो कल कयामत में आपकी फबशिरहुम بعذاب اليم अलीम, दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो उन नौजवानों के लिए, उन लोगों के लिए जो मोबाइल के जरिए से म्यूजिक सुनते हैं, डांस करते हैं। नहीं छोड़ेगा रब, अल्लाह ने आपको जवानी दी है, जवानी को पैदा करो, जवानी बनाओ हजरत अली के तरह,
हजरत उस्मान के तरह, हजरत उमर फारूक के तरह, इमाम मालिक के तरह, अल्लामा इब्ने कय्यिम के तरह, इमाम बुखारी के तरह, उनके तरह जवानी बनाओ मेरे नौजवानों। बहुत तबीयत खुश हुई मेरी आज जवान कमेटी को देखकर, सारे नौजवान बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह इन नौजवानों को दीन की खिदमत के लिए ज्यादा से ज्यादा कबूल फरमा, इन लोगों को। हमारे वो लोग नाराज ना हो जाएं बूढ़े लोग के तारीफ जवानों की हो रही। भाई मैं ये कह रहा हूं कि एक हिस्सा है जवानी का, 14-15 साल से लेकर 40 से 45 साल तक ये जो हिस्सा है जवानी का, इसमें कुछ भी कर सकते हैं। बर्फ का पानी है दो तो नहा लेंगे, बूढ़े आदमी के ऊपर बर्फ का पानी डालिए तो खुद बर्फ बन जाएगा। तो जवानी, इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबानी कहलवाया कि जवानों को बता देना वन शबाब ही फीमा अपना, तुम जवानी कहां बिता कर आए। सलमान खान के फिल्म देखते देखते, या शाहरुख खान के, या ऋतिक रोशन के डांस देखते देखते नहीं, बल्कि आपको बुखारी शरीफ पढ़ते पढ़ते, कुरान करीम के का दर्स देते देते, अहादीस का दर्स देते देते आपकी जिंदगी का कुछ हिस्सा गुजरना चाहिए, ताकि कल कयामत में गवाह बन सके आपके लिए मेरे नौजवान साथियों। बड़ी कीमत है इस जवानी की, अच्छे काम में लगा लो। मैं नहीं कहता कि आप कोई जोखिम भरा काम करो कि चलो लड़ाई मार धार करने या पहाड़ तोड़ने, नहीं, पाबंदी सलात कर लो, नमाज की पाबंदी कर लो, जहां तक हो सके सोशल मीडिया में गलत काम करने से और गलत चीजें देखने से बच जाओ, अपनी निगाह की, अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर लो, इंशाल्लाह आपकी जवानी। वनहन नफ्सानिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा, बुरी चीजों से रोक लोगे तो आपका ठिकाना जन्नत होगा। आज क्यों हम पिस रहे हैं, क्यों? बहुत सारी बातें हमारे लोग नहीं जानते, हम नहीं जानते। आपका शहर औरंगाबाद, पता है शहर की क्या तारीख है? औरंगाबाद का मतलब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर पड़ा है। तीन औरंगाबाद, एक बंगाल का, एक बिहार का, एक महाराष्ट्र का, तीनों डिस्ट्रिक्ट। ये भी शायद डिस्ट्रिक्ट ही है या मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता होगा, लेकिन शहर है औरंगाबाद। तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर है ये शहर, लेकिन औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सारे खसूसियात है एंड द मुस्लिम डोंट नो अबाउट औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। भारत के अंदर उनके जमाने में 40 साल तक हुकूमत की उन्होंने, नौजवानों 40 साल तक हुकूमत की। सबसे पहले चावल और गेहूं से टैक्स हटाने का काम यही औरंगजेब ने किया था। जिस वक्त भारत के ये बादशाह थे, उस वक्त यहां भारत का सबसे बड़ा कारोबार होता था कपड़ों का, भीलवाड़ा राजस्थान, गुजरात, मेरठ, भागलपुर, इन तमाम जगहों के ऊपर कपड़ों के फैक्ट्री लगा करते थे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में। हम इस चीज को नहीं जानते, इसीलिए तो आज काफिर और मुशरिक लोग, लड़ाकू लोग, नफरती लोग, वो नफरती ना वो मुसलमान है ना वो हिंदू है, सिर्फ नफरती है वो, बस मिलता कुछ नहीं, हाथ में हथौड़ा लेते हैं चले जाते हैं जनाब लैंड जिहाद के नाम पर, तोड़ने के लिए, मारने काटने के लिए चले जाते। अभी एक वीडियो हमने देखा, बड़ी ताज्जुब और बड़ा दुख हुआ। आज ही हमारे पास किसी ने भेजा, आप लोगों को भी भेजा होगा, कि कहीं हिमाचल प्रदेश में शायद कुछ हमारे नफरती दोस्त जो भटक गए, किसी के बहकावे में आकर हथौड़ा लेकर वो जाकर एक कब्र को तोड़ रहे। कब्र परस्ती इस्लाम में जायज नहीं है, मजार कब्र परस्ती इस्लाम के अंदर अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत जायज नहीं, लेकिन उस चीज को हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ इतना जानते हैं कि अगर किसी की कब्र है या कहीं पर कोई जगह है, ईदगाह है, मस्जिद है, कोई निशान बने हुए हैं, तो उसको तोड़ने की
ना तो किसी मुसलमान को परमिशन है और ना तो किसी हिंदू भाई को परमिशन। अगर कहीं मंदिर है, मूर्ति है, अपनी जगह पर है, मस्जिद है, कब्र है कहीं पर, वो अपनी जगह पर है, उसको रहने दिया जाए। लेकिन पता है क्या है, उसको तोड़ते हुए वीडियो बनाया जाता है। और उस वीडियो में कैसे अल्फाज, उस वीडियो के अंदर ऐसे अल्फाज है कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे हिंदू भाइयों, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने क्या कहा कि बाकी ना रहे शेष राम का, बाकी ना रहे शेष रावण का। इस जुमले का मतलब समझते, इस जुमले का मतलब, इस भारत में अंदर जितने भी मुसलमान, ये सब रावण है। बाकी ना रहे शेष रावण का, ये फरमान है राम का, उनका ये कहना। कभी भी श्री रामचंद्र जी ने भारत की धरती पर रहकर ये नहीं सोचा अपनी जिंदगी में कि यहाँ हिंदू रहेगा कि मुसलमान रहेगा कि दलित रहे कि कौन रहे। जात पात की तो कोई बात ही नहीं थी, वो तो एक नजर से सबको देखते थे, एक नजर से, एक सम्मान से, मानवता, इंसान जैसे वो एक इंसान थे, मानवता और इंसान। लेकिन उसको तोड़कर, हथौड़ा लेकर गए, तोड़ा। जब पूछा गया उनसे बाद में कि क्यों तोड़ा जी आपने, उन्होंने कहा कि सर इसीलिए तोड़ा हमने कि ये जितने भी टोपी और दाढ़ी वाले, ये जितने भी मस्जिद और मदरसे वाले, यानी जितने भी कलिमा पढ़ने वाले हैं, ये सब के सब रावण वाले हैं, इसीलिए रावण का शेष न इनका कोई वंश बाकी रहेगा, ये फरमान है राम का। मैं कहूंगा कि ये फरमान रामचंद्र जी का नहीं हो सकता। और आपको हिम्मत भी, आपको शर्म आनी चाहिए उन नफरती तीनों नौजवानों से। मैं कहूंगा क्या आपको भारत में रहकर इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। न तो भारत का संविधान इजाजत देता, हमारे पुलिस वालों से हम कहेंगे कि भारत के संविधान में, भारत के संविधान के धारा 153 ए और बी के तहत उनके ऊपर केस बुक होना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने भारत के इस देश की, हमारे इस मुल्क की अखंडता को खत्म करने के लिए उन्होंने हथौड़े लेकर कब्रिस्तान को तोड़ने की कोशिश की। और उन्होंने हवाला दिया कि हम लैंड जिहाद, पहले तो अब लव जिहाद, अब लैंड जिहाद, मतलब जमीन जिहाद। जमीन जिहाद का क्या मतलब, यानी जहां जहां मुसलमान बसे हुए हैं, हम इनकी जमीन को अब छीनेंगे, इनको यहां से भगाएंगे। शायद तुम भूल गए हो, इन मुसलमानों को आपने रावण कहा। रावण वो था जिसने नाश किया इस देश का, रावण वो था जिसने नाश किया, वो एक राक्षस था, वो एक शैतान था, वो इंसान नहीं था, बल्कि वो शैतान था, वो राक्षस था, वो जालिम था, वो जाबिर था, वो फासिक था, वो फाजिर था, वो जुल्म करने वाला, एक बहुत ज्यादा अथाह शक्ति का मालिक, उसको रावण बोला जाता है। उसी रावण को मिटाने के लिए श्री रामचंद्र जी को खड़ा किया था। आप भारत के इतने मुसलमानों को रावण का वंश बता रहे हैं। सुन लो, हमारे उन तीनों भाइयों को बोल रहा हूं, अगर आपके दिमाग में ये भूसा भरा है, मेरे नफरती तीनों भाइयों, हथौड़ा लेकर उस जमीन को तोड़ने से और तुम्हारे कह देने से भारत का मुसलमान कोई रावण का वंश नहीं है, याद करो जिस वक्त 1962 को देश आजाद होने के बाद यही चाइना से मुकाबला होने का जब टाइम था, उस वक्त इस भारत को किसने, हिंदुस्तान के खजाने में पैसे नहीं थे, 500 टन का दान किसने दिया था, पूछो इन हथौड़े वाले बेलगाम घोड़ों से। उस वक्त 500 टन का दान, जिनका नाम मीर उस्मान अली हैदराबाद का, उन्होंने दिया था लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि निजाम, मीर निजाम उस्मान साहब, आप अगर ताउन नहीं करेंगे तो हमारे इस देश पर चाइना का कब्जा होगा। जब उस वक्त 1962 में चाइना से मुकाबले के लिए गए तो टैंक और तोप खरीदा गया और चाइना से मुकाबला किया गया। 500 टन सोना जो मीर उस्मान ने दिया था, उनके दिए हुए चंदे से जाकर चाइना से मुकाबला किया था। अगर 500 टन का सोना मीर उस्मान नहीं देते तो आज हमारा भारत का आधा हिस्सा चाइना के अंदर में शामिल होता। याद करो उनकी तारीख को, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद सबसे पहले भारत के अंदर किसने बनाया था,
जिसको आज भारतीय स्टेट बैंक के नाम से हम जानते, यही मीर उस्मान अली ने बनाया था, जिसको बाद में भारतीय स्टेट बैंक बनाया गया था। तुम्हें शायद तारीख मालूम नहीं, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को 5 लाख रुपए सोना दिया था। दान देते हुए वो नहीं देखते थे कि ये मुसलमान है कि ये हिंदू है,